हेलो दोस्तों, साधन का गुलाब मंडल में आप लोगों का स्वागत है और सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम बना रहे हैं रोटी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को लिया कि बच्चे सब लोग तैयार किया जाए। आज मैं कुछ बात करने वाली हूँ लड़कियों के बारे में, तो आप लोग ऐसे ही नेक्स्ट तक की पूरे ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। अगर आज पूरे ब्लॉग में बने रहोगे तो आज कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को, और बहुत जल्द। और अक्सर जो माएँ हैं जिनके बच्चे हैं उनके लिए, देखो ये रोटी गरम गरम सेंक रही हूँ रोटी के, ये जल, ये अब रोटी बना रही हूँ आज। तो हम यहाँ रहते हैं हरिद्वार में, तो एक हमारे पास में गली है, तो वहाँ पे थे चार साल की बच्ची थी एक लड़की, तो किसी ने उसे रूम में बुलाया, उसके साथ में बलात्कार किया, मतलब रेप हुआ है छोटी बच्ची पे। तो वो बच्ची तो मर चुकी है फिलहाल। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करूँगी, माएँ बहनें, आप लोग अगर बाहर काम करने जाती हैं तो अपने, अगर तुम्हारे पास बच्चा है तो प्लीज़ अपनी लड़कियों को अकेले मत छोड़ के जाओ। तुम्हारे हाथ जोड़ के विनती है, अपनी बच्चियों को अकेले मत छोड़ो, अकेले कहीं जाने मत दो। अगर आप लोग मानती नहीं हो काम करना है, काम करना दूसरी लेडीजों को देख देख, अरे एक तो माँ हो, अपने बच्चों को परवरिश दो, अच्छा अपने बच्चों को परवरिश दो, बढ़िया पालो, उनको मान सम्मान मिले। अब उनके साथ में उसकी माँ ड्यूटी जाती थी और बच्ची के साथ में रेप हो गया, बच्ची मर चुकी है। आज बहुत मेरे को इतना दुख हुआ, फिर मेरे को गुस्सा मुझे लगती है लेडीजों पर कि हराम खोर पैसों के चक्कर में अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो तुम लोग। अगर तुम्हें कुछ करना ही है अपनी लाइफ में तो बच्चा मत पैदा करो, जब सब कुछ कर लो अपनी लाइफ में तभी बच्चे पैदा करो। और मर्दों से भी कहना चाहूँगी, अगर अपनी पत्नियों से काम ही कराना है, अगर अपनी पत्नियों से काम करवाना अपनी बीवी से है तो तुम सारे बच्चे मत पैदा करो। साले बच्चे पैदा कर लेते हो फिर मियाँ बीबी काम करने जाते हो, और वो बीतती किस पे है, लड़कियों पे, बच्चों पे बीतती है। उनके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये तुम लोगों को समझना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है कुछ। तुम लोग इतने हराम हो गए हो, कुछ पूछो मत। तुम लोगों को कुछ भी कहो फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं इतने बेकार इंसान तो हमने कभी नहीं देखे। अब भाई लड़का तो भाग चुका है, जो मतलब उसकी उसके जो बाप हैं, बाप हैं जो लड़के के जिसने रेप किया है, वो पकड़ गया है। मैं तो कहती हूँ यह वीडियो मेरी सरकार के पास पहुँचाओ, आप लोग जिसने यह रेप करवाए किया है उसको फांसी नहीं होना चाहिए, उसका जो प्राइवेट पार्ट है ना उसी को काट देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि दर्द होता क्या है। हाँ, उसका प्राइवेट पार्टी काट देना चाहिए, तब पता चलेगा कि लड़कियों के साथ रेप करते हो तो क्या होता है सजा, कैसी कैसी दर्द होता है। हाँ, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। छोटी सी बच्ची कितना दर्द सही होगी, और तुम पूरा मजा ले रहे हो बच्चियों के साथ में। अपनी अपनी बहना हाथ जोड़ के विनती, अपने अपने बच्चे बचा के रखो, अपने साथ रखो उनको। ये मत सोचो कि मेरी बच्ची छोटी है तो किसी की गलत नजर नहीं पड़ेगी। आजकल कलयुग जमाना चल गया बहना, कलयुग जमाना चल गया है। प्लीज आप लोग अपने अपने बच्चों को संभाल के रखें, आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करती हैं। एक बच्चा, हम लोग समझते हैं कि बच्चा ये भगवान का रूप है, पर अब कुछ नहीं रह गया बहन इस लाइफ में कि ये भगवान का रूप है। उसके साथ में बलात्कार हो रहा है, और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये योगी के पास पहुंच जाए, और जो जिसने बलात्कार किया उसका प्राइवेट पार्ट काटा जाए। मेरे पास बहन इतना टाइम नहीं होता कि मैं ब्लॉग बनाऊं, मैं कई दिन से सोच रही हूँ नहीं बना पा रही, और फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज खाना ही बनाते बनाते ब्लॉग तैयार करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ है। हमें तो सुन के इतनी
रुवाई आई और इतना मैं अचंभी हुई कि ये भगवान ये क्या हो गया, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे बच्चे पढ़ा लिखा जाएंगे हैं। और उसने रूम में ही किया, बताओ हे भगवान क्या हुई है जिंदगी में। अगर बहन तुम्हें कोई बिजनेस, इससे अच्छा अपने घर में रहो, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो अपने घर बैठ के कुछ काम कर लो ना, कंपनी क्या है जरूरत जाके। अगर इतने जाने का शौक है ना तो अपनी बच्चियों को अपने घर छोड़ दो भाई, ये शहर है, तुम जाती हो पूरा काम करती जाके पूरा पूरा दिन, यहाँ लेडीजे कम थोड़ी ना बदतमीज हैं, वो खुद ही जाती है अपने आशिक से मिलने, तो बच्चों का ध्यान क्या रखेंगे, खुद ही आशिक से मिल रही हैं। तुम्हें खुद ही मजा आ रहा है, तुमने क्या फर्क पड़ेगा कि बच्चे हमारे कहाँ घूम रहे होंगे। अगर फर्क इतना ही पड़ता होता महिलाओं को तो अपने छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ के नहीं जाती, समझ गए। और पति को चिताना चाहूंगी जो भी हैं लड़के, अगर तुम्हें इतने शौक है अपनी बीवियों से काम कराने के लिए तो बच्चे मत पैदा करो, अपने घर में अपनी बीवियों से काम कराओ। और ज़्यादा अगर बीवी नहीं मान रही कि काम करूंगी, अगर बच्चों के साथ कुछ होता है तो बीवी को इतना मारो ना कि उसकी नानी तक याद आ जाए। कोई कोई महिला होती है बदतमीज कि मैं काम करूंगी, जब तुझे काम ही करना था तो शादी क्यों करी है? छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं। इस ब्लॉग में आप लोगों को जो भी सही लगे कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, चाहे महिला हो चाहे आदमी, मेरे लिए दोनों लोग बराबर हो। मैं कोई महिला की इधर नहीं बटूंगी कि महिला सही है, महिला कैसे सही है, वो खुद ही गलत काम कर देती है। मैं इसलिए दोनों की इधर रहती हूँ, मैं कभी किसी के इधर नहीं बोलती। आप लोगों से भैया हाथ जोड़ के विनती है कि अपने अपने बच्चों को देखें और अपने बच्चों के साथ ही जाएं, जहाँ जाएं अपने बच्चों के साथ जाएं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कहो तो पैर छू लो तुम लोगों के, बच्चों को ऐसे अकेले मत छोड़ो बहनों, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी उस बच्ची को है? हाँ, मुझे तो सुन सुन के बहुत ही तकलीफ हो रही है, मेरा तो कतई सांसें लंबी लंबी चलने लगती हैं। तो हमारा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जो एक नई खबर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। आज बिल्कुल सच है और न सच खबर है, ये बहुत ही सच खबर है, आप लोग इसे मजाक में मत लीजिएगा, पूरी सच खबर है। तो देख सकते हो अभी हम खाना बना रहे हैं, भैया खाना तो बनाना ही पड़ेगा, अपने पति के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, और बच्चों को कोई भी अकेला मत छोड़ो इस समय। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, चलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू।